अब हम C++ में enumerations देखते हैं। हमने function classes वगैरह देखी। अब सभी का discussion आगे काफी होगा, इसलिए अगर कुछ ही समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम उसको और डिटेल में बताने वाले हैं। तो enumeration क्या है? enum, C वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे enumeration क्या है। ये एक सिंपल यूजर डिफाइंड टाइप है जिसमें हम सेट ऑफ वैल्यूज बता देते हैं। इसका मैं मुद्दा बताऊं, इसके पीछे जो थ्योरी है वो क्या है कि आपको नंबर अगर याद करने दिया जाए, किसी का नंबर और किसी का नाम याद करने दिया जाए, तो आप जब भी मोबाइल में अपने देखेंगे तो उसका नाम ढूंढेंगे, उसका नंबर नहीं ढूंढेंगे। तो नंबर से हम बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन नाम से अच्छे हैं। तो इनम में होता क्या है कि हम नाम दे देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च दे दिए ना, और ये नंबर अपने आप ही ले लेता है। तो जब भी हम जनवरी की बात करेंगे तो उसका वन नंबर होगा, इसी तरीके से लाइक वाइज। तो ये इनम है, इसमें क्लास क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले देख लें कि हमको सबसे पहले ये मंथ, जिस तरीके से हमारा इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, तो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहा इसको, तो हमें इसे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा m, और आप इस तरीके से फैल इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ देने की कोशिश करेंगे इस वेरिएबल में, तो आप यू कांट असाइन इंटीजर टू मंथ, किसी मंथ को इस m को आप साथ दे सकते हैं। इसी तरीके से आप ये जैसे सात वैल्यू है या m है, तो इसको या ये जो m बेसिकली ये तो एक वेरिएबल है ना, इसको वेरिएबल को एक क्लास समझिए, क्लास की तरह ये काम करता है। और क्लास का वेरिएबल आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू या इंटीजर वगैरह को तो असाइन कर नहीं सकते। हाँ, एक चीज कर सकते हैं आप, जैसे मंथ है इसके अंदर आप 7 दीजिए, और फिर किसी और इसी इन्यूमरेटर के वेरिएबल में उसको पास कर सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, कोई चिंता मत करिए, आगे बहुत सारी चीजें मैंने बताई, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपके लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स है, सिंपल इनम में देखिए रेड और ग्रीन दिया। अब आप यहां पर देखिए क्लास नहीं है, है ना, कहीं क्लास नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये जो एक चीज बताना भूल गया मैं, ये क्लास जो है यहाँ पर आप स्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो लर्न, मतलब दोनों चीजें ही यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसका स्कोप डिफाइन करता है, ये स्कोप भी आएगा आगे। इनम रेड ग्रीन और प्लेन इनम विदाउट अ स्कोप, स्कोप नहीं है इसमें, इसलिए क्लास और स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रेड अवेलेबल है, रेड इज अवेलेबल है, आप रेड को ए से असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्कोप नहीं है। अब आपने इनम यहाँ पर बना दिया, आप नेम कॉन्स्टेंट कैसे बना सकते हैं? इनम आपने कल बनाया, मंथ बनाया, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया, दो तीन वेरिएबल बनाए। जनवरी आप पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेड आप पास कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है, क्योंकि रेड इसमें है ही नहीं, मंथ में रेड नहीं है, ये कलर में है, मंथ कलर में रेड है। आप 7 पास करेंगे M3 को, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक तरीके से नंबर है, उसको आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को या क्लास के वेरिएबल को कैसे असाइन कर सकते, नहीं कर सकते इसको। इसी तरीके से यहाँ पर ये ठीक है, क्यों? क्योंकि M1 ये एक एन्यूमरेटर है जो कन्वर्ट इज कन्वर्टेड टू इट्स वैल्यू, तो यहाँ पर आप M1 को यहाँ पर आई दे सकते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कोप वाली प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा ये इस पर्टिकुलर क्लास एन्यूमरेशन जो मैंने सबसे पहले वाले बताया था, उसका क्या मौजू है। आपने तीन इनम बनाए, एन्यूमरेटर्स बनाए, क्लास इसमें लिख दिया, तो आपने स्कोप डिफाइन कर दिया कि ये क्लास के साथ संबंधित है, इसको अलग से यूज नहीं कर सकते आप। तो कलर है, मंथ है, ट्रैफिक लाइट है, इसमें अलग अलग वैल्यूज दे दी आपने। अब आपने मंथ का इस पर्टिकुलर इस वाले का आपने एक वेरिएबल बना दिया M1, उसमें जनवरी पास किया, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर क्लास है, आपने स्कोप डिफाइन किया है। हाँ, अब अगर आप बोलते हैं कि मुझे जनवरी असाइन करना है, कुछ भी करिए, तो आप क्या करेंगे, इसको मंथ डबल कोलन करेंगे, इसको स्कोप में लाएंगे पहले। अब स्कोप में लाते ही जैन ये इसमें असाइन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंथ डबल कोलन रेड करेंगे, अरे रेड तो यहाँ का है, कलर का, कलर का एक कलर के स्कोप में मंथ रेड। अब पहले तो मंथ में आपको रेड मिलेगा ही नहीं, मंथ में रेड है ही नहीं, तो ये पहले ही यहां पर अपना शुरुआत में डिस्कशन फेल हो जाए। अब यहां पर आइएगा, 7 आप असाइन करना चाहते हैं, 7 मंथ है, देखिए 7 मंथ ही नहीं, जनवरी फरवरी मार्च तक है। इसी तरीके से कलर में कलर को रेड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर है C1, इसका एक वेरिएबल बनाइए, कलर के अंदर डबल कोलन करके रेड ग्रीन ब्लू जो देना है आपको दीजिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस लाइन में देखिए ट्रैफिक लाइट से आपने रेड लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप कलर को असाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। M1 को भी नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये इज नॉट कन्वर्टेड टू इंटीजर, इसको आप इंटीजर से में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। एन्यूमरेशन की बात, जो बेसिक बात है मैं बात बता रहा हूँ, ये सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक ग्लिम्प्स देना चाह रहा था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असली चीज ये है कि हॉर्स
पिग चिकन अगर ये दिया है, अपने आप इसको जीरो वैल्यू मिल जाएगी, अपने आप इसको वन वैल्यू मिल जाएगी, अपने आप टू वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपकी मर्जी है आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा जनवरी को वन से शुरू करूंगा, मैं जीरो से नहीं शुरू करूंगा, अगर मैं वन नहीं लेता तो अपने आप ही जीरो से शुरू होता। इसी तरीके से मैं यहाँ पर स्ट्रीम स्टेट दे रहा हूँ, गुड को वन, देखिए ई एफ को आठ दे दिया मैंने, फेल को टू दे दिया, और फेल और ई एफ को जोड़ भी दिया, यानी कि दो प्लस आठ दस, या आप किसी भी इंटीजर में जाके दे सकते हैं। अब मैं फ्लैग्स को जो कि मैंने इंटीजर दिया इसको मैं स्ट्रीम स्टेट में देना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, ऐसे देना चाहता हूँ, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका कारण ये है कि फ्लैग्स आपका इंटीजर है, स्ट्रीम स्टेट में कैसे असाइन कर सकते हैं? अगर आप बोलते नहीं नहीं मुझे तो करना ही है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करिए फिर आप करिए, ये पॉसिबिलिटी है। अब चलिए इसको रियल एग्जांपल में यूज करते हैं, मंथ तो हमने देख लिया, मिनटों में पढ़ लिया, अब इस क्लास में लेते हैं, एक क्लास है डेट, इसका हमने एक क्या बनाया, इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसके अंदर हम मंथ यूज कर रहे हैं, मंथ क्या था, मंथ हमारा इन्यूमरेटर है, देखिए मंथ इन्यूमरेटर है, तो जब आप यू करेंगे तो यहां एरर आ जाएगा, क्योंकि मंथ यहां पर जब आप ये डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर ये यहां पर 30 दे देंगे, तो ये तो बोलेगा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, आपने मुझे तो यहां डिफाइन कर रखा है कि मंथ एम आप दे रहे 30, ये नहीं चलेगा, आप मंथ दिसंबर यहां दीजिए, 30 यहां दीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब कॉन्स के बारे में बात करिए, कंस्ट्रक्ट, ये कॉन्स बहुत जरूरी है, कॉन्स मतलब कॉन्स्टेंट, आपने क्या किया, एक कॉन्स्टेंट मेंबर बनाया, आपने कहा मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप मुझे मॉडिफाई ना करें, तो इंट डे कॉन्स्टेंट दे दिया, रिटर्न डे एक फंक्शन है, आपने एक क्लास का वेरिएबल बना दिया और जिस तरीके से इसको कॉल कर रहा है, डबल कोलन देके स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर स्पेसिफायर देके आपने कर दिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्स डेट सी डी, आपने कॉन्स्टेंट बनाया, अब ये डेट जो डी बना है ये तो नॉर्मल है, सी डी कॉन्स्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जब मैं डी से डे कॉल करूं, इस डी से डे कॉल कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, इस सी डी से भी डे को कॉल कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली योर डे है, ठीक। अब आप डे योर डे कोई दिक्कत नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप फंक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तब देखिए एरर आएगी, डी तो कॉन्स्टेंट आपने बनाया नहीं था, ये तो कॉन्स्टेंट बनाया नहीं था आपने, तब तो ये आराम से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाइड, लेकिन सी डी आपने साहब कॉन्स्टेंट बना दिया है, इसको अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आ जाएगी, ये ध्यान रखिए कॉन्स्टेंट। और दीजिए देखिए इसमें और एक वेरिएबल और बना दीजिए और आप देखिए कॉन्स्टेंट दीजिए, तो जैसे ही आप डी को डी टू से साइन करेंगे तो डी टू जो कॉन्स्टेंट है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो डी टू का साइन नहीं हो पाएगा, ऐड भी करेंगे डी टू को तो भी चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट आपने बना रखा है इसको। हाँ, आपने जो कॉन्स्टेंट वैल्यू बनाई उसको किसी और को असाइन करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं, और कॉन्स्टेंट इस डी से ऐड वन बुला लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी आपने कॉन्स्टेंट बनाई नहीं था, ये कॉन्स्टेंट था ही। अगर डी टू डॉट एफ फंक्शन पे कॉल करना चाह रहे हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर कर लीजिए कि ये फंक्शन इसको मॉडिफाई ना कर रहा हो, क्योंकि कॉन्स्टेंट बनाया ना आपने इसलिए। अब कॉन्स्टेंट मेंबर फंक्शन देखिए, यहां पर आपने एक क्लास बना दिया और यहां पर एक फंक्शन बना दिया, अब उसको कॉन्स्टेंट कर दिया आपने, यहां पर फंक्शन बनाया इसको कॉन्स्टेंट नहीं किया, आपने एक कॉन्स्टेंट करके एक डेट का एक वेरिएबल बना दिया या ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन जैसे ही आप डी एक्स डॉट डे करेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डे तो वैसा ही है नॉन कॉन्स्टेंट है, यहां पर आप जब कॉन्स्टेंट वैल्यू को असाइन करना चाहेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसको चेंज करना चाहेंगे, मैंने शायद ये पांच या आठ बार बोल दिया ये बात, मैं आपको स्पेसिफाई करना चाह रहा हूं कि कॉन्स्टेंट अगर आपने बना दिया तो उसका मतलब यही कि वो कॉन्स्टेंट है, आप उसको उसको चेंज मत करिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू को यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर हुआ। तो क्लासेस एक अच्छा इंटरफेस क्लास का तभी बनता है जैसे वो मिनिमम हो, कंप्लीट हो, टाइप सेफ हो, कॉन्स्टेंट उसमें करेक्टली यूज हो। तो एसेंशियल ऑपरेशन अगर आप देखें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ये अपने आप कुछ नहीं करता है, अपने आप कोई भी कुछ नहीं करता है, ना कंस्ट्रक्टर करता है ना डिस्ट्रक्टर करता है, इसमें आपको देना पड़ेगा कि आप क्या करवाना चाहते हैं। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो ये कॉपी करेगा, कॉपी असाइनमेंट करेगा तो ये एलिमेंट को कॉपी कर देगा, लेकिन अगर आपने कोई और कंस्ट्रक्टर बना दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा डिफॉल्ट। जैसे ये है डेट डी, ये कोई डिफॉल्ट है, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया आपने, लेकिन अगर डी को डी टू से ले लेंगे मतलब कॉपी करना चाहेंगे तो ले लेगा, और ये डायरेक्ट असाइनमेंट भी पॉसिबल है, यानी दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की भी बात करेंगे आगे चल के। तो अगर आप ये इंटरफेस अगर बना रहे हैं एक अच्छा, जैसे मैंने बताया कि क्लास इंटरफेस
अगर छोटा हो तो अंडरस्टैंडिंग, डिबगिंग और मेंटेनेंस बहुत आसान हो जाता है। आपको हेल्पर फंक्शन की जरूरत पड़ती है जो क्लास के साथ जरूर पड़ेगी, जैसे इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी, नेक्स्ट वीकडे, नेक्स्ट संडे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ, नेक्स्ट संडे के अंदर आइए, कोई भी आप इंप्लीमेंटेशन डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीकडे में डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप ये डबल इज इक्वल टू कर रहे हैं, अभी देखिएगा ये क्या हुआ है, तो आप यहाँ पर एक डेट पास कर रहे हैं, दूसरी डेट पास कर रहे हैं, आप इक्वालिटी चेक कर रहे हैं। अब एक नई बात आ गई इसमें, नंबर ये नॉट इक्वल टू है, इसमें भी आप ये नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं, इसमें नई बात आ गई, ये आपने किया क्या डबल इक्वल टू को, ये एक्चुअली आपने ओवरलोड कर दिया, ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया। तो क्यों ना ऑपरेटर ओवरलोड को ही लगे हाथ देख लिया जाए, बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने टिपिकल एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन आगे इस पे और भी डिस्कशन होगा। तो इसे ऑपर ओवरलोडिंग कहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ये है, यू कैन डिफाइन ऑलमोस्ट ऑल सी प्लस प्लस ऑपरेटर फॉर अ क्लास और एन्यूमरेटर ऑपरेंड्स। सी प्लस प्लस का ऑपरेटर किसी भी क्लास या एन्यूमरेटर के लिए आप इसको ओवरलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपका एन्यूमरेटर है, यहाँ पर आपने वैल्यू दी, आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप एक मंथ बनाते हैं, या आपने क्या किया यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जिसमें आप चाहते हैं कि ऑपरेटर को ओवरलोड किया जाए प्लस प्लस को। तो प्लस प्लस मतलब आप इंक्रीमेंट कराना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि देखिए m इज इक्वल टू मंथ दिसंबर, यहां से लेकर जनवरी, आप मंथ इज इक्वल टू मंथ प्लस वन कर देंगे, सबको एक बढ़ा देंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर सबको एक बढ़ा देंगे। तो अब ये आपने कर दिया, लेकिन यहां पर आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा m का, जो आपने यहां बना दिया तो प्लस प्लस कर दिया। तो जैसे ही आप नंबर को प्लस प्लस करेंगे दिसंबर होगा, दिसंबर को प्लस प्लस करेंगे जनवरी बन जाएगा। तो कितना फायदा हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते करते, कि आपने ऑपरेटर को क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब क्लास के लिए एन्यूमरेटर के लिए, और क्लास और एन्यूमरेटर के ऑब्जेक्ट्स जो बनेंगे या वेरिएबल बनेंगे उनके लिए भी प्लस प्लस बना दिया, केवल एक वेरिएबल के लिए नहीं, इनके क्लास और ऑब्जेक्ट बड़े जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके लिए भी आप प्लस प्लस डिफाइन करते हैं। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ब्यूटी है, फायदा है। तो आप जो एग्जिस्टिंग ऑपरेंड है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, और आप केवल यू कैन डिफाइन ऑपरेटर्स ओनली व्हेन देयर कन्वेंशनल नंबर्स ऑफ ऑपरेंड्स, यानी कि कोई यूनरी नहीं होगा, कोई बाइनरी नहीं होगा, ऐसी जो ऑपरेंड है उसी को ओवरलोड करिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कन्वेंशनल मीनिंग, आप प्लस को प्लस दीजिए, माइनस को माइनस दीजिए, ऐसा मत कर दीजिए कि प्लस को आप इंटू का ओवरलोड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑपरेटर प्लस है, यू कांट ओवरलोड बिल्ट इन प्लस, प्लस को आप बिल्ट इन प्लस को नहीं कर सकते। हाँ, वेक्टर वगैरह जैसे आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप यहाँ पर आप जब दो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तब कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ही प्लस होता है। दो इंटीजर को आप डाल के प्लस करना चाह रहे हो तो मतलब है ही, तो आपको दिया ही गया। लेकिन जब आप क्लास और इसकी बात करते हैं ना, वहां पर आपको इसकी यूटिलिटी की जरूरत होती है। तो फिर आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत एन्यूमरेटर्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, इसके बारे में और बात करेंगे। तब तक बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।